हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट बी। इसके अंदर हमें क्या बोला गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। तो कोई भी नंबर हम एंट्री करेंगे उसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टोरियल वैल्यू क्या निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमको बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ फाइव, तो फैक्टोरियल ऑफ फाइव क्या होगा, फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू। अब इसकी जगह पे अगर हमें पचौक कितना हो गया, पांच चौक बीस, साठ दून 120। अगर बोला जाता है फैक्टोरियल ऑफ टेन, तो वो क्या होगा, टेन मल्टीप्लाइड बाई नाइन मल्टीप्लाइड बाई एट मल्टीप्लाइड बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन। अब इसी एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे इवेल्युएट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे मान लीजिए हम व्हाइल लूप का यूज नहीं करते, तो हम जैसे फैक्टोरियल पांच है तो उसको पांच बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते मल्टीप्लाई करते हुए जाते, या फिर पांच बार स्पेसिफाई करते हर नंबर के अकॉर्डिंग कि कहां से कहां तक जाना है। लेकिन अब हम लूप पढ़ चुके हैं, तो लूप के अंदर हमें पढ़ा है कि ये वैल्यू कहां तक जानी है, वन तक। और जो भी इनपुट के अंदर हमारे पास मान लीजिए एंट्री देगा, तो उस वैल्यू को जैसे टेन दिया तो टेन को माइनस करते हुए लेके जाना हमें वन तक। अगर उसने हंड्रेड भी दिया तो उसको माइनस करते हुए ले जाना हमें वन तक। तो देखिए हमें कैसे पता लगा, इसके अंदर लूपिंग जो काउंटर था हमारा, उसके अंदर हमें यूज क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। जो भी नंबर हमारे पास में इनपुट में आएगा उस नंबर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन चेक क्या है, वन की तरफ बढ़ना है, कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तब तक वो कैलकुलेशन करता रहेगा। जैसे ही वन से कम होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट अप के अंदर दे देगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम हमारा बनाते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए। फाइल सेव कर देते हैं फैक्टोरियल डॉट सी के नाम से। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मजा आने लगेगा कि हाँ कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो कि मैनुअल काम करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, अब प्रोग्रामिंग से बहुत ईजी होने लगे। एस इंक्लूड ponio डॉट एच void main gtch int नंबर जो हम इनपुट के अंदर लेंगे और फैक्टोरियल वैल्यू को हम फैक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है। clrscr क्लियर स्क्रीन के लिए हमने एंट्री कर दी, गेट हमने डाल रखा है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जो कि ponio डॉट एच का एक कंपोनेंट है। अब हम इसको यूज करते हैं, हमें यूज करना है वाई लूप को ही। तो वाई लूप के अंदर देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से कि किसका निकालना है, प्रिंट एफ एंटर एनी इंटीजर नंबर, ये नंबर जो है वो इसके अंदर एंट्री हो जाएगी। कैसे लेना है, स्कैन एफ के अंदर परसेंट डी परसेंट नाम, ये हमने स्कैन ले लिया। एम परसेंट क्यों लगाते हैं, मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर वेरिएबल। अब हम लिख रहे हैं वाई लूप, देखिए इनिशियलाइजेशन तो हमने यहाँ पे इसका ये करवा दिया कि जो वैल्यू आई है उसकी ये हो गया यहाँ पे इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, लूप काउंटर को कहाँ से शुरुआत करनी है। अब हमें चेक करना है कि जो नम आ रहा है, नम की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तब तक हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट, फंक्शन क्या मतलब इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना रहेगा। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, नम को हमेशा डिक्रीज करते हुए चलेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन करा था कि जो भी नंबर आएगा उसको डिक्रीज करते हुए ले जाएंगे, वो वन की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। फैक्ट कैसे मिलेगा, फैक्ट के अंदर क्या आएगा, फैक्ट की जो इनिशियल वैल्यू थी उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नम के साथ। तो फैक्ट की वैल्यू यहां पर कुछ थी नहीं, तो बाई डिफॉल्ट उसको वन कर देते हैं, क्योंकि वन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। ठीक है, आउटपुट के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ फैक्टोरियल
of percent D is, यहां पे आ जाएगा फैक्ट। अब देखिए इस स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा तो यहां पे नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, नंबर की वैल्यू करूंगा तो नंबर की वैल्यू तो यहां पे वन आ गई, तो यहां पे हमेशा ऑलवेज ये क्या लिखा होगा फैक्टोरियल ऑफ वन इज दिस, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां मैं हटा देता हूं फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज, ये हो जाएगा। इसलिए क्या है कि किस चीज को किस वेरिएबल को कहां यूज करना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट हमारा सही निकले, ठीक है। अब इसको हम Alt F9 से कंपाइल करा के चेक करते, ठीक है। अब इसको हम रन कराते कंट्रोल F9, एंटर एनी इंटीजर नंबर, तो हमने एंटर करा 5, 5 के फैक्टोरियल कितना आ गया 120। अब इसकी जगह पे हम करते हैं 10 का फैक्टोरियल कितना आ गया 24320। अब इसी चीज को देखिए हम अलग तरीके से हम क्या कौन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए हम लिखते हुए चलते हैं यहाँ पे, आपको पता रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ये इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसका लॉजिक कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे यूज करने की, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ये आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में रन करा के दिखा रहा हूँ। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है अभी, क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए परसेंट डी मल्टीप्लाइड परसेंट डी, ये पहला परसेंट डी क्या है हमने लिखा का फैक्ट, और सेकंड क्या आ रहा है नम, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है और हर बार इनकी वैल्यू को हम नए स्टेटमेंट के अंदर चेक करते हैं। F2 से सेव कर दिया कंट्रोल F9, जैसे मान लीजिए 10 एंट्री करा हमने, तो देखिए 10 को हमने एंट्री करा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 90 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कुछ हमने गलत एंट्री दे दी है, नंबर 10 चला गया, फैक्ट इक्वल टू, यहां तो देखिए इस स्टेटमेंट को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, ये पहले लिखना है ताकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता लगे कि किसको किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने एंट्री करी यहाँ पे 5 करते हैं, देखिए 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से क्योंकि इनिशियली सबसे पहले हम क्या वैल्यू को स्टार्टिंग करने थे 5 हो गया, 5 को करा 4 से, 4 को ये उसका जो आउटपुट आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हो गया 120। इसको और क्लियर कर देते हैं कि कैसे क्या आ रहा है, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ तो हमने कर दिया था बट यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लगाया तो ये हमारा डिस्प्ले में नहीं आया था, ये देखा हमने 5, देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाइड कर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय पर आ गया 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो गया 120, तो फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 120। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम कंप्लीट होता है, इसमें चेक करेंगे कैसे फैक्टोरियल की एक एक स्टेटमेंट का हमारा एग्जीक्यूशन चेक कराए, इस तरीके से सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और रन होता है। ओके, थैंक यू।